हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका स्वागत है स्टडी कोच 91 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हर एक सब्जेक्ट में यानी थ्योरी में और प्रैक्टिकल्स में कितने कितने नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं या फिर कितने नंबर मिनिमम आपको चाहिए पास होने के लिए। उसके साथ साथ में हम सेशनल देखेंगे कि कितनी नंबर का सेशनल आपको मिलता है थर्ड सेमेस्टर में, और साथ में ये भी देखेंगे कि एससी वगैरह कितने कितने नंबर का मिलता है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अदर किसी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि कितने नंबर का सेशनल या फिर कितने नंबर का थ्योरी प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके लिए भी वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करते हैं। पहले हम थ्योरी की, जैसा कि आप लोग जानते हैं पेपर आप लोग दे ही चुके हैं। ठीक है, तो आपके थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है? पहला है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो है थ्योरी जो है मैक्सिमम 50 नंबर का होता है, यानी पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है, जिनमें से मिनिमम आपको 17 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, ये सब आप पेपर दे चुके हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा थ्योरी के बारे में। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड है जिसमें मैक्सिमम 50 नंबर, मिनिमम 17 नंबर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में मैक्सिमम 50 नंबर, मिनिमम 17 नंबर थ्योरी में है। ठीक है, आप में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट है, जिसे EDC शॉर्ट में बोलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है DE। ठीक है, जिसको बोलते हैं, तो इन सभी में आपका मैक्सिमम 50 नंबर पा सकते हैं आप। पूर्णांक यानी 50 नंबर का है, वो आपको पास होने के लिए मिनिमम 17 नंबर लाने होंगे। आप लोग पेपर दे चुके हैं इसका। अब दोस्तों प्रैक्टिकल्स का भी आप लोग वेट कर रहे होंगे। प्रैक्टिकल्स आपको न्यूज़ बता दूँ कि 4 तारीख के बाद प्रैक्टिकल्स आप लोगों के होने वाले हैं। तो दोस्तों अपना अपडेट जो है अपने कॉलेज से आप लोग प्राप्त करते रहिए। ठीक है, और दोस्तों हमसे अपडेट पाने के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल में दोस्तों EE सेकेंड यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड में प्रैक्टिकल्स में भी 50 नंबर होते हैं। ठीक है, जिनमें से आपको मिनिमम 20 नंबर पाने रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हो गया, कोई बात नहीं, मिनिमम 20 नंबर आपको पाने रहते हैं। उसके बाद में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, जिनमें आपको मिनिमम 8 नंबर लाने होते हैं 20 नंबर में से। ठीक है, और EDC की बात करें तो EDC जो है मैक्सिमम 50 नंबर का प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं, जिनमें से मिनिमम 20 नंबर आपको लाना होता है। ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये भी 50 नंबर का होता है, जिनमें से आपको 20 नंबर लाना होता है। एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू आपका सब्जेक्ट है, जिसमें सिर्फ बस सिर्फ प्रैक्टिकल्स होती है, इसकी पेपर नहीं होती है। इसमें आपको 30 नंबर मैक्सिमम आपको प्रैक्टिकल्स में दिया जा सकता है, जिसमें से आपको कम से कम 12 नंबर लाना आवश्यक है पास होने के लिए। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप है, जिसमें आपको 60 नंबर मैक्सिमम होता है और कम से कम आपको इसमें 24 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के बारे में। अब देख लेते हैं दोस्तों सेशनल और SCA के बारे में। ठीक है, तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर में सेशनल होता है, वो सेशनल होता है 260 नंबर मैक्सिमम का। ठीक है, 260 नंबर में से आप 0 नंबर जितना भी कॉलेज वाले दे दें, ठीक है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सेशनल के ऊपर ही आपका जो है परसेंटेज उठता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद में SCA की बात करें, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें आपका 30 नंबर का होता है, ये 30 में 30 दोस्तों लाना आप समझ लीजिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इसमें 0 पा जाएँ तो भी फेल पास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दोस्तों अनुशासन के प्रबंध पे होता है। ठीक है, वैसे दोस्तों इसमें से कोई नंबर काटा नहीं जाता है। ठीक है, SCA में से दोस्तों। और इसी वीडियो में आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा कि कितना नंबर किस सब्जेक्ट से, थ्योरी से या प्रैक्टिकल से या सेशनल कितने नंबर का मिलता है, सभी आपको जानकारी मिल गया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।